सच जे न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार, इस पहाड़ में छिपे हैं कई चमत्कारी रहस्य, जहाँ दोस्तों आज हम बताएंगे आपके सामने। 6600 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत पश्चिमी देशों के लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। पूर्व की संस्कृति में माउंट कैलाश काफी विख्यात है। कैलाश पर्वत पर कई ऐसे रहस्य है जिनके विषय में श्रद्धालुओं को मानना और जानना आवश्यक है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा की नदियां भी इसके आसपास ही है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत हिमालय का छोटा सा केंद्र है और वैज्ञानिकों भी अनुसार ये धरती का केंद्र है। सो इसीलिए कैलाश पर्वत दुनिया के चार धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र स्थान। अगर बात की जाए कैलाश पर्वत की संरचना के बारे में, तो कंपास के चार बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध मिलोपरा ने इस पर चढ़ाई। कैलाश पर्वत की चार दिशाओं में चार नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित अन्य जो चीन में भी नदियां निकलती है। कैलाश के चार दिशाओं में विभिन्न जानवर के मुंह है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक मुंह की बात करें तो पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का है और उत्तर में सिंह का और दक्षिण में मोर का। इस चार तरह के मुंह आपको दिखाई दे रहा है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यदि मानव रहता है तो कोई इसे भूरा भालू भी कहता है, तो कोई जंगली मानव भी कहते हैं, तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है, यह लोगों को मारकर खा जाता है। और वैज्ञानिकों अनुसार विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिक के दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव भी अभी भी मौजूद है। अगर आप कैलाश पर्वत की ओर जाएंगे तो लगातार एक आवाज सुनाई देती है। जी दोस्तों, आप अगर आप भी नहीं सुनिए तो आप ध्यान से सुनने की आवाज करिए, डमरू या फिर ओम की आवाज जैसी सुनाई देती होगी। वैज्ञानिकों को कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने से हो सकते है या फिर प्रकाश और ध्वनि दोनों के बीच का जो समागम होता है कि वहां से ओम की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही रहस्य पूरा पर्वत है और ऐसे ही रोचक भरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और आप भी भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट करके जय भोलेनाथ ऐसे करके हमको बता सकते हैं।